Assalamualaikum everyone, hope so you all are doing well. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपनी आई लैशेज की ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं. अगर आपकी आई लैशेज की ग्रोथ नहीं हो रही तो आप अगेन उसको किस तरह से कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम ये सारे स्टेप्स देखेंगे कि ईजिली होम मेड बहुत सारे रेमेडीज़ होती हैं जिनको आप रेगुलर एंड कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन रह के अगर आप ट्राई करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी आई लैशेज भी सेम इस तरह थिक होंगी एंड लॉन्गर होंगी, मस्कारे की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एसेंशियल्स रेमेडीज़ शेयर करने जा रही हूँ जिनमें से आप किसी भी जो भी आपको सूट करती है या जो आपके घर पे वो चीज़ अवेलेबल है तो उस चीज़ इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ तो आपके पास ज़रूर मौजूद होगी. तो वो मैं आपके साथ डिफरेंट रेमेडी शेयर करूँगी, 5-6 ज़्यादा भी हो सकती हैं कि आपके लिए फ़ायदा मंद रहे, क्योंकि हर चीज़ को सूट नहीं करती, हर चीज़ हर बंदे को सूट नहीं करती. तो वो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी सूट करी तब वो यूज़ कर लीजिएगा. और आपको कुछ यूज़फुल टिप्स भी बताऊँगी जिसके साथ आप उनको अवॉइड करके अपनी आई लैशेज को ग्रो कर सकते हैं. तो चलते हैं फर्स्ट रेमेडी की तरफ, उसमें क्या है. तो फर्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कॉम्बिंग. कॉम्बिंग कंघी करना, बालों को कंघी करते हैं सेम लाइक आई लैशेज को कॉम करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी आई लैशेज को थिकर एंड लॉन्गर बनाना चाहते हैं. इसके साथ क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है ना उसकी सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है और ये आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. इसके साथ साथ जो आपकी डस्ट होगी ना उसको भी क्लीन आउट करेगा. तो अगर आपके पास कोई भी मस्कारा ब्रश या आप सेपरेट ब्रश ले लें उसके ऊपर थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल लगा के आप इस तरीके से अपनी आई लैशेज़ की 5 मिनट तक कॉम्बिंग कर सकते हैं. इसके साथ आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगी. कोई भी ऑयल ले लें, विटामिन ई ऑयल हो गया, उसके साथ कॉम्बिंग आपने डेली बेसिस पे लाज़मी करनी है. सेकेंड रेमेडी की बात कर लेते हैं, सेकेंड रेमेडी में आ जाते हैं आपके एसेंशियल ऑयल्स, जिनमें कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल आ जाएगा. आप चाहें तो इन तीनों ऑयल्स का थोड़ा सा मिक्सचर बना के रख लें एंड उसके अंदर इस बैटर के आप रोजमेरी ऑयल, टी ट्री ऑयल का भी मिक्सचर ऐड कर लें, रोज़ को ऐड कर लें एंड फिर आप उसको अपनी फिंगर की मदद से आप हल्के हाथों से उनकी मसाज कर सकते हैं इन एवरी इवनिंग. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्टेप फॉर ग्रोइंग ऑफ आई लैशेज लॉन्गर एंड थिकर. ठीक है, तो आप ये वाले एसेंशियल ऑयल्स को फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ बहुत जल्दी आपकी आई लैशेज की ग्रोथ होती है. ओके, थर्ड चीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे पेट्रोलियम जेली आ जाती है, हर किसी के घर में मौजूद होती है. इसके साथ क्या होगा, ये आपकी आई लैशेज को मॉइस्चराइज एंड स्मूथ रखेगी. इसके साथ साथ आपकी आई लैशेज को एक मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कर देगी एंड ये आपको एक सपल एंड सॉफ्ट लुक देगी आपकी आई लैशेज को. तो आप वही स्टेप है कि सिंपल किसी भी मस्कारा ब्रश क्लीन आउट होना चाहिए, उसके साथ आप पेट्रोलियम जेली को अपनी आई लैशेज पर लगा सकते हैं. फोर्थ वन चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, वो आ जाती है ग्रीन टी. आप क्या करें, ग्रीन टी को पानी लें, उसके अंदर ग्रीन टी का टी बैग डाल के उसको बॉईल करें एंड देन आप क्या करें, वो जो टी बैग होगा आप उसको अपनी आई लेड के ऊपर कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए रख दें. इसके साथ भी बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है जो कि आपकी पफी आईज को भी कम करता है एंड फाइन लाइन्स को भी कम करता है एंड आई लैशेज की ग्रोथ में भी हेल्प आउट करता है. फिफ्थ वन की बात कर रहे थे, फिफ्थ वन आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं. आपने क्या करना है, सेम वही बात आ जाती है, कोई भी ब्रश लें उसके साथ एलोवेरा जेल को कॉम्बिंग की सूरत में अपने आई लैशेज पर लगा लें. जो भी आपने चीज़ लगानी है इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने ब्रश के साथ ही लगानी है. इसके साथ साथ आपकी आई लैशेज की कॉम्बिंग भी होती रहेगी, ब्लड की सर्कुलेशन भी होती रहेगी और डस्ट भी क्लीन आउट होती रहेगी. तो ये है हमारी फिफ्थ रेमेडी. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका फॉलो करके आप अपनी आई लैशेज की ग्रोथ कर सकते हैं. लाइक आप मसाज कर सकते हैं, मसाज एक बहुत ही इफेक्टिव वे है. आप एग वाइट पोर्शन उसका यूज़ कर सकते हैं, आप क्लेंजिंग कर सकते हैं. इट्स बेटर कि आप क्लेंजिंग जो है वो ऑलिव ऑयल के साथ करें. अच्छा, एक चीज़ में और मैं ऐड करना चाहती हूँ, मेकअप ब्रेक्स लेनी चाहिए. उसका क्या मतलब है कि लाइक हम किसी की जॉब इस टाइप की होती है, उसको डेली मेकअप करना पड़ता है, मस्कारा जो एक एसेंशियल पार्ट होता है मेकअप में, तो आपको वीक में एटलीस्ट 1-2 बार मेकअप ब्रेक्स ज़रूर लेनी चाहिए. ये क्या करती हैं कि आपकी जो मस्कारा जो आपने लगाया होता है ना उसकी वजह से आई लैशेज टूटना स्टार्ट हो जाती हैं आपकी. और मस्कारा लगा के कभी भी रात को नहीं सोना चाहिए. लाइक अगर आप सो रहे हैं तो वो पिलो पे जब आप आई लैशेज लगेंगी तो वो टूट जाती हैं, इस तरह से आपके आहिस्ता आहिस्ते बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए. लास्ट वन टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आई लैशेज कर्लर होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. जब आप अपने आई लैशेज के साथ कर्ल करते हैं ना तब भी आपकी आई लैशेज टूटती हैं और उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है. तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी माइनर माइनर से जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए.
आप ये वाले ऑयल्स यूज़ करें, पेट्रोलियम जेली, एलोवेरा जेल, डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर करके देखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन सब चीज़ों के। लेकिन आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करें ना, किसी एक चीज़ को देख लें जो आपको सूट करेगी, उसको आपने रेगुलर 1 month रात को लगा के ज़रूर सोना है ब्रश के साथ, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके आईलैशेस बहुत थिक एंड लॉन्गर हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।